फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जीएसटी के सारे लेक्चर बहुत पसंद आ रहे हैं, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स भी बहुत एक बार बता दें वो उन बंदों के लिए जो नया देख रहे हैं वीडियो। दोस्तों ये चैप्टर 3 चल रहा है चार्ज ऑफ जीएसटी, जिसमें ये पार्ट 10 है और इसके अंदर मैं कराने वाला हूँ आईजीएसटी। दोस्तों तो आज ये मेरी तरफ से चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक आध टॉपिक अगर मैंने छुड़वा दिए हैं तो सर वो संडे को एक रिविजन का वीडियो डालूंगा सर मैं 20 to 30 मिनट्स में। सर इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे तो उसमें एक आध टॉपिक अगर मैंने छोड़े होंगे तो मैं कवर कर लूंगा। फिलहाल इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इतना बताया है। बाकी अगर मुझे लगा प्रैक्टिस मैनुअल आने के बाद की कोई टॉपिक बताना चाहिए और मेरे से गलती से छूट गया है तो मैं उसे वहां पे कवर कर लूंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी एंड एंजॉय दिस वीडियो। दोस्तों आईजीएसटी की जब बात करें तो मैंने आईजीएसटी के लिए जब पार्ट 1 स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि भैया जब हरियाणा टू दिल्ली कहो या मुंबई टू पंजाब कहो, जब दो शहरों के बीच में सप्लाई होती है, ठीक है सर, और ये सप्लाई किस किस चीज की हो सकती है, गुड्स की भी हो सकती है, सर्विस की भी हो सकती है और बोथ दोनों की हो सकती है। अगर ये दोनों की हो रही है तो हम आईजीएसटी चार्ज करते हैं। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब सर बात करते हैं हमारा स्टडी मटेरियल इसको लेके क्या कहता है। तो सर पॉइंट 6 है सर, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। तो भैया इसमें यही सीखना है कि हमारा जो आईजीएसटी एक्ट है ये पूरे के पूरे भारत पे लगता है, जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें शामिल होता है। सर मेन बात तो यही है, ठीक है सर। मेन बात क्या है कि हमारा आईजीएसटी एक्ट पूरे के पूरे इंडिया पे लगता है, इसमें स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है, ठीक है सर। तो सर आईजीएसटी के लिए हमारा 7th नंबर स्टार्ट करते हैं जिसमें सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में ही सर सब सेक्शन 5 तक है, 1, 2, 3, 4, 5 सब सेक्शन 5, इन्हें धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है सर। और इन्हें इसी पार्ट में मैं कोशिश करूंगा खत्म कर दूं सर, और फिर आपका ही चैप्टर फिनिश होना है सर। इसके सेक्शन 1 से पहले, सब सेक्शन 1 से पहले सब सेक्शन 2 करें सर, मैं बता रहा हूं क्यों, अभी बताता हूं सर आपको। और सर उससे पहले एक छोटी सी बात कि भैया आगे वीडियो देखने से पहले उम्मीद कर रहा हूं कि आप पहले के 9 पार्ट चैप्टर 3 के जो मैंने बनाए हैं अच्छे से कर चुके हैं, क्योंकि अगर ये जब तक 9 पार्ट आपने नहीं किए हैं ये पार्ट 10 आपको प्रॉब्लम करेगा। अगर 9 पार्ट आपको 100% क्लियर है पहले के तो 10 पार्ट सर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पे मैं 100% एफर्ट दे चुका हूँ तो यहाँ मैं 20% एफर्ट ही दूंगा ताकि ये अपने आप समझ में आ जाए। और इसके लिए जरूरी है सर पहले आप 9 पार्ट तक अच्छे से कवर कर लें, फिर सर 10th पार्ट पे आपको आना है, ठीक है सर। तो सर सेकेंड सबसेक्शन क्या कहता है, सेकेंड सबसेक्शन कहते हैं सर द इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है सर। आपको पता है इंटीग्रेटेड टैक्स किसके होते हैं, आईजीएसटी को, ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है सर, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, ठीक है सर, मोटर स्प्रिट और नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, शैल बी लेविड विद द इफेक्ट, मतलब कि इस पर टैक्स लगेगा, शैल बी लेविड विद द इफेक्ट मतलब इस पर टैक्स लगेगा सच रेट उस दिन से एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जिस दिन से गवर्नमेंट बताएगी तब से। क्या सर, जिस दिन से गवर्नमेंट बताएगी तब से, किस दिन से, जिस दिन गवर्नमेंट बताएगी तब से। नहीं सर हमें नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाओ ना। बिल्कुल दिखाते हैं, लो जी आओ सर। लो जी सर अब देखो सर, पहली बात तो आईजीएसटी का रेट क्या होगा, सीजीएसटी के रेट और एसजीएसटी के रेट को जोड़ दो तो आपको आईजीएसटी का रेट पता चल जाएगा, फिलहाल इतना। और ये सर पढ़ो, पेट्रोलियम क्रूड पे, हाई डीजल, हाई स्पीड डीजल पे, मोटर स्प्रिट पे, नेचुरल गैस पे, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे हमारा आईजीएसटी एक्ट तब से लगेगा जब से गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी। तब से लगेगा क्या, यहां लिख लो, तब से लगेगा जब से गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ठीक है सर। ओके तो भैया मैं इसे याद रखने के लिए कैसे लिख ले रहा हूँ कि भैया सेक्शन 5 है, इसमें सबसेक्शन जो 2 है वो ये बताता है कि भैया टर्बाइन फ्लू हो गया, कोई भी फ्लू हो गया, कोई भी डीजल हो गया, कोई भी गैस हो गया, कोई भी मोटर स्प्रिट हो गई, ओवरऑल डीजल, तो ये टैक्स तब से लगेंगे जब से गवर्नमेंट इनको नोटिफाई करेगा, ठीक है सर। ये वाली बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम सबसेक्शन 1 की बात करते हैं। अब सबसेक्शन 1 क्या कहते हैं सर, सबसेक्शन 1 को समझने के लिए मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे दिखाता हूँ सर। प्रोविजन क्या कहता है, कहता है सब्जेक्ट, कहते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब कि प्रोविजन सबसेक्शन 2 का ख्याल रखते हुए। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने 2 पहले क्यों पढ़ाया, क्योंकि 2 मतलब कहता है कि भैया उनका ख्याल रख लो। फिर ये कहता है देयर शैल बी लेविड अ टैक्स, कि एक टैक्स लगना चाहिए,
जिसका नाम होगा आईजीएसटी, जिसका नाम होगा आईजीएसटी, ठीक है सर। तो भैया सबसे पहली बात, अगर वन क्या कहते हैं, वन कहते हैं कि भैया आईजीएसटी लगेगा, कब लगेगा, जब आप सप्लाई करोगे। सप्लाई कहाँ करोगे सर, गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं, सर्विस की कर सकते हैं, और बोथ की कर सकते हैं। कहाँ करेंगे सर, दो स्टेट के बीच में। हमारे कितने स्टेट होंगे सर, दो, एक दिल्ली हो गया और एक मुंबई होगा, ठीक है सर। मुंबई में मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं, सोनी जी स्पेशल कर रहते हैं, तो उन लोगों से जाके मिलना है मुझे। तो सर मुंबई का मैं हमेशा टारगेट रखता हूँ, दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है सर। पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर क्या कहते हैं सर, फिर ये कहता है कि भैया एक्सेप्ट ओनली द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर। सर ये वर्ड तो मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता, पता नहीं क्या इसमें पाप है गुनाह है, पढ़ा ही नहीं पाता सर। एल्कोहलिक लिक्वर, मैं तो स्पेलिंग भी नहीं लिख पाता सर इसके, तो सर ही बच्चा हूं मैं। एल्कोहलिक लिक्वर, ठीक है सर, ये जो भी होता है ये नहीं आएगा अगर ये फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, ठीक है सर। ह्यूमन कंजम्पशन में अगर ये आता है तो हम इसे शामिल नहीं करेंगे, ठीक है सर, इस बात का ख्याल रखना है। और क्या है सर, और ये क्या कहता है, ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर द सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो हमें सर ये बात, मैंने आपको सीजीएसटी पढ़ाया था, याद आ रहा है आपको, सीजीएसटी तो भी मैंने आपको ये पढ़ाया था, अभी आईजीएसटी में भी यही बात बता रहा हूँ कि हम जो वैल्यू है वो कहाँ डिटरमाइन करेंगे सर, अंडर सेक्शन 15, और ये कौन सा है सर, सीजीएसटी एक्ट का है। ये लिखना कंपलसरी है सर, पहले बता दूं, क्योंकि ये जब तक आप नहीं लिखोगे नंबर नहीं आएंगे सर। ओके, फिर आगे क्या कहता है सर, आगे ये कहता है एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जैसा कि गवर्नमेंट कहेगी हम वैसा ही करेंगे, और वही रेट लगाएंगे। क्या कहता है, वही रेट लगाएंगे जो कि हमारा गवर्नमेंट हमको कहता है, ठीक है सर। ये बात तो यहां तक हो गई। फिर ये सर क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट, इस बात का ध्यान रखते हुए वो है सर गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। सर ये क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ सर। पहली बात तो नोटिफाइड जो गवर्नमेंट करेगी उस रेट से हमें टैक्स लगाना है, नोटिफाइड रेट के हिसाब से, ठीक है सर। और एक बात छोटी सी और बता दूं कि भैया आपने मेरे साथ एक बात पढ़ी थी, एक बात पढ़ी थी कि भैया सीजीएसटी में 20% से ज्यादा रेट नहीं हो सकता, याद है आपको, आ रहा है। और जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी होता है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। तो सर ये इनका 20% मिला ले मैक्सिमम और इसका 20% मैक्सिमम मिला ले, तो ओवरऑल 40% हो गया। तो सर इसमें एक बात और आती है कि मैक्सिमम 40% रेट होगा, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इस बात को हमें याद रखना है। फिर सर अगली बात क्या कहता है, अगली बात ये कहता है कि लेट सपोज आप यूनाइटेड किंगडम से या फिर कहीं बाहर से सामान इंपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर, इंपोर्ट कर रहे हो, तो सर इंपोर्ट पे क्या लगने वाली है, कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी लगने के बाद सर लेट सपोज आपने 1,000 रुपये का माल मंगाया था, कस्टम ड्यूटी का रेट 10% है, ये सेटा में होता है सर, सेंट्रल टैरिफ एक्ट में, सॉरी सर। तो ये सर ये आपका हो गया 100 रुपीज, तो ओवरऑल वैल्यू होगी सर 1,100। सर पहले इसके ऊपर लगता था बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगता था पहले, लेकिन अब बेसिक एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा, अब बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ सर ये हो गया सर, बेसिक कस्टम ड्यूटी यहाँ पे लगता था, सॉरी, फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती थी, ठीक है सर, यहाँ पे जिसको जो कि इक्विवेलेंट होता था हमारे एक्साइज टैक्स की। तो सर एक्साइज तो हट गया, हमारा वैट भी हट गया, हमारा सीएसटी भी हट गया, सब हट गया, तो इनकी जगह क्या लगने वाला है सर, इसकी जगह सर लगेगा हमारा आईजीएसटी एक्ट। तो सर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन ये बनता है, क्या इंपोर्ट करने पे कौन सा टैक्स लगता है, इंपोर्ट करने पे आईजीएसटी लगता है, इंपोर्ट करने पे सीजीएसटी लगता है, इंपोर्ट करने पे यूजीएसटी लगता है, या ऑल लगते हैं या नन लगते हैं। तो सर आंसर क्या है, सिर्फ आईजीएसटी लगता है, जो आपका स्टडी मटेरियल है सर उसके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है सर फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से, इसका ध्यान रखना है कि सर वहां पे आईजीएसटी एक्ट लगता है। तो आईजीएसटी क्या रेट क्या होगा ये कस्टम बताएगा, ठीक है सर। वैल्यू क्या होगी वो ये निकल के आएगी, इस वैल्यू पे क्या रेट होगा ये कस्टम बताएगा, कस्टम टैरिफ एक्ट। सर वही बात यहाँ लिखी गई है, गुड्स इंपोर्टेड इन टू इंडिया है, भारत में आप लाए गुड्स, शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। कि भैया इसका प्रोविजन क्या होगा, इसका रेट क्या होगा, ये सब सेक्शन 3 बताएगा, कस्टम टैरिफ एक्ट का 1975, ऑन द वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर दिस सेड एक्ट, की जितनी भी वैल्यू डिटरमाइंड की जाएगी। तो सर जैसे कि ये वैल्यू डिटरमाइंड की थी 1,100 रुपए, ये जो वैल्यू डिटरमाइंड की जाएगी एट द पॉइंट व्हेन ड्यूटीज ऑफ कस्टम आर लेविड, कि भैया उस पॉइंट पे जब कस्टम ड्यूटी लगाई गई थी वो वाली वैल्यू, आर लेविड ऑन द सेड गुड्स अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम 1962।
ठीक है सर, आई थिंक समझ में आ गया। इसमें ज़्यादा समझना ही नहीं है, एग्जाम में इस पे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, और वो ये वाला होगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला। अगर बाई चांस एग्जाम में बोला कि भैया इम्पोर्ट की वैल्यू 1,000 थी, कस्टम ड्यूटी बनती है 100 रुपये, तो वो सर इसमें ऐड कर दोगे। ओवरऑल जितना ये आएगा इस पे IGST का रेट लगा देना जितना वो कह रहा है, दैट्स इट सर। इससे बड़ा क्वेश्चन इस पे बन ही नहीं सकता। आने वाले टाइम में जब सारी थ्योरी के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे सर, 10 चैप्टर है सर, इसको कंप्लीट होते ही मैं आपके न्यूमेरिकल्स के 10 लेक्चर्स बनाऊंगा सर, उसमें मैं सारे क्वेश्चन कवर करूंगा जो भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो सर प्लीज परेशान ना होना, भाई पे भरोसा रखना, आपका दोस्त सब कुछ करवाएगा यहाँ पे, ठीक है सर। चलिए सर, तो हमने प्रोविजन 1 पढ़ लिया, प्रोविजन 2 पढ़ लिया, अब आगे क्या कहते हैं सर, प्रोविजन 3 पे आते हैं। तो सर प्रोविजन 3 पे एक बात बता दूं, आपको एक चीज सिखाई थी सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये सर 2 केसेस में होता था, एक तो गवर्नमेंट नोटिफाइड कर दे कि किस किस में रिवर्स चार्ज लगने वाला है, तो सर इसके लिए यहाँ पे 5 सबसेक्शन 3 है, और एक होता था सर रजिस्टर्ड पर्सन, है ना। रजिस्टर्ड पर्सन जब खरीदता था, किससे खरीदता था सर, अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो जब जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदोगे सर, मेरी लाइन पे देखना, यहाँ पे पिछले वाले में 5,000 की लिमिट थी CGST में, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने खरीदा, क्या कह रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने खरीदा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, ठीक है सर। और इस बेस पे आपको IGST पे करना पड़ेगा जो गुड्स की सब और सर्विसेज की और बोथ की सप्लाई को रिसीव कर रहा है, जो इन दोनों की इन सप्लाई को क्या करने वाला है सर, रिसीव करने वाला है सर। इतनी सी बात कही गई है, आप बोलो सर इतना फास्ट क्यों बता रहे हो, तो भैया ऑलरेडी CGST में सारी कहानी में सुना चुका हूँ 20 बार, जिसमें सर जागृति का एग्जाम्पल लिया था, जागृति के बर्थडे का हम पिज्जा खाने गए थे, सर सारी बात सेम है, बस वहाँ CGST लगता था और यहाँ पे IGST लगने वाला है, ठीक है सर। इसलिए मैं टाइम नहीं स्पेंड कर रहा यहाँ पे, कोई दिक्कत हो तो सर पहले के 9 पार्ट अच्छे से देख ले, फिर यहाँ पे आए तभी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। सर वही बात बताई गई है 3 और 4 में, वैसे तो ये होमवर्क का टॉपिक है लेकिन मैं एक बार रीडिंग मार देता हूँ। द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट अपनी क्या चाहेगी, मन चाहे चाहेगी बात, मतलब जो भी उसके दिल में आएगा वो मीटिंग बैठाएगी, बात करेगी, नोटिफिकेशन डालेगी और स्पेसिफाई करेगी उस कैटेगरी को जिसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर आना है, जिन पे सप्लाई की गई है गुड्स के थ्रू या सर्विसेज के थ्रू या दोनों के थ्रू, द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। किस पे सर, स्पेसिफाई कैटेगरी पे, जो भी स्पेसिफाई कैटेगरी होगी उस पर रिवर्स चार्ज पे बेसिस करना पड़ेगा, और ये स्पेसिफाई कैटेगरी गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, टेंटेंट बेसिस बाय द रिसिपियंट ऑफ सच गुड्स और द सर्विसेज और द बोथ और ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी अप्लाई। बस सर ये वाली बात याद रखना है कि भैया जिस पे ये सारे प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे रिवर्स चार्ज वाले बेसिस पे, ठीक है सर। मतलब जो बंदा सर्विस लेने वाला है उसको GST के सारे प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे, जैसा कि हमने CGST एक्ट के अंदर में पढ़ा था। उसके बाद सर ये वाली बात आ गई कि भैया रजिस्टर्ड पर्सन ने, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन किसने दिया सर, नॉट रजिस्टर्ड, जिस जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं था उससे आपने लिया, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो आपने लिया और आपने ऐसे बंदे से लिया हु इज नॉट रजिस्टर्ड, तो भैया आप और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंप्लाई कर लिया जाएगा और ये एक्ट लग जाएगा उस रिसिपियंट पे और उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे लायबल हो जाएगा वो सारा टैक्स पे करने पे, ठीक है सर। सारा डिक्टो है CGST वाला, बस मेरा काम था रीडिंग करवाना, वही करवा रहा हूँ सर। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं कि भैया गवर्नमेंट, ये सर ई कॉमर्स वाला आ गया इको, ठीक है सर। और फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं सर, 5 का 5, ये सर इको की बात करता है, ठीक है सर। ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर में सर पहले CGST के अंदर आपने पढ़ा था कि आप दिल्ली टू दिल्ली में सेल और परचेज कर रहे हैं, यानी सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, सर्विस की या फिर बोथ की, लेकिन अब क्या बात कर रही है, हरियाणा टू दिल्ली, ठीक है सर। हरियाणा टू दिल्ली जब ये चीज बिकने वाली है, ठीक है सर। लेट सपोज मुझे रॉबिन शर्मा की बुक मंगवानी थी, इस बार वो रॉबिन शर्मा की जो बुक मेरे को मंगवानी थी ना वो दिल्ली में किसी के पास नहीं थी, तो हमने हरियाणा के एक सेलर से ये मंगवाया, तो सर मैं दिल्ली में था, मुझे यहाँ पे उन्होंने माल की सप्लाई की, तो सर इको वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है सर। और रिसिपियंट कौन हूँ सर, दिल्ली में रहने वाला मैं, ठीक है सर। लेकिन टैक्स किसको, इको के केस में किसको टैक्स पे करना पड़ेगा, याद आ रहा है सर, इको के केस में इको को करना पड़ता है, अगर इको नहीं है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को करना पड़ता है, अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, ठीक है सर, अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करना पड़ता है, रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करना पड़ता है, रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करना पड़ता है, स्वाहा। आइए सर, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन होगी भैया काउंसिल के थ्रू, नोटिफिकेशन आएगी, स्पेसिफिक कैटेगरी को बताया जाएगा, दस टैक्स ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट यानी दिल्ली टू हरियाणा, मुंबई टू दिल्ली, ठीक है सर। ऑफ विच शैल बी पेड, पे किया जाएगा बाय द इको, इको ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा,
इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट, ठीक है सर, जो भी सप्लाई उसके द्वारा दी जा रही है वो। सर फ्लिपकार्ट और अमेजोन का एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम में बताया था सर, प्लीज इको का टॉपिक देख लें एक बार सीजीएसटी में अगर आपको यहां दिक्कत आ रही है तो। एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है सर। बाकी सर सेम बात है, इससे ज्यादा सीखना भी नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, ये सारी वही बातें सर लिखी हुई हैं, जिस जो मैंने नहीं बताया है उसको फिलहाल इग्नोर करते हुए चले। ये सारी बातें सर जो भी हमने पढ़ा है वो यहाँ पे लिख दिया गया है। और सर ये एक छोटा सा चार्ट बनाया है, इसको जरूर देख लें कि भैया इको है तो वो टैक्स पे करेगा, इको नहीं है तो उसका भैया कोई फिजिकल प्रेजेंस वाला रिप्रेजेंटेटिव पे करेगा। अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो हमें एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, ठीक है सर। पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय द ई कॉमर्स, ठीक है सर। इको मतलब अगर कोई बंदा नहीं है तो हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। सर ओवरऑल यही बात थी, एक छोटा सा चार्ट और दिखा दूं भैया। स्टेट ऑफ इंडिया की बात करें तो भैया सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है और आईजीएसटी लगता है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है, आईजीएसटी लगता है, ठीक है सर। इंट्रा में सीजीएसटी और एसजीएसटी और इंटर में आईजीएसटी लगता है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज में जिसमें विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है, जिसमें विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें सीजीएसटी लगता है, यूटीजीएसटी लगता है, आईजीएसटी लगता है। सर एक नंबर का सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि भैया यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है तो क्या लगता है, तो हमें याद रखना है कि उसमें एसजीएसटी नहीं लगता, उसमें यूटीजीएसटी लगता है सर। बस इतनी सी बात याद रखनी है सर। अब इसी के साथ अलविदा चाहूंगा, फटाफट ये टॉपिक रिवाइज कर लें सर, हमारा पैकअप हो गया है, ठीक है सर। इस चैप्टर का संडे वाले दिन मैं आपके लिए एक वीडियो डालूंगा जिसमें रिवीजन करवाने वाला हूं मैं चैप्टर नंबर 3 का, जो कि चार्ज ऑफ जीएसटी है, जिसमें हमने 10 पार्ट किए उसी का 11 पार्ट होगा सर, समराइज करके इन सारे टॉपिक्स को। तो फटाफट सब कुछ रिवाइज करके आए, ठीक है सर, और अच्छे से अपनी तैयारी करते जाएं, अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए जरूर पढ़ें सर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।